नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री एक साल पूरा करने वाले हैं। एक छोटे से आधे अधूरे राज्य के मुख्यमंत्री के नाते पिछले एक साल में अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ किया है उसके राष्ट्रीय राजनीति में कई मतलब है। संदेह नहीं कि केजरीवाल ने एक वर्ष में खूब सुर्खियां बटोरी, मुख्यमंत्री पद और सरकार का सुख लिया, ठसका बताया तो सिस्टम से लड़ते हुए अपनी आंदोलनकारी व्यवस्था विरोधी इमेज भी बनाई। कोई माने या न माने, अरविंद केजरीवाल ने शातिरता से अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे पोजीशन किया हुआ है। नरेंद्र मोदी के तमाम विरोधियों में उन्होंने ये धारणा बनवा दी है कि वे उनसे भिड़ने में समर्थ है। वे मोदी सरकार को घेरने के मुद्दों को धार देने और विपक्षी एकजुटता के परोक्ष संगठन करता भी है। बावजूद इसके केजरीवाल का एक वर्ष का राज दिल्ली की बदहाली है। एक वर्ष के राजकाज से साफ जाहिर हुआ कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को विकास की जो पहचान दी थी वह खत्म है। अब विकास पर नहीं मरम्मत पर झुग्गी झोपड़ियों की सरकार को चिंता है। एक साल के लक्षण अगले चार साल में दिल्ली को बदसूरत बनवा देने के हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने उन वोटों को पटाए रखने पर है जिससे उनकी सत्ता स्थायी बने। विकास से दिल्ली को अच्छा बनाकर अपने प्रति पुण्यता पैदा करें, इसके अवसर और साधन सब केजरीवाल के पास है, लेकिन उनकी फितरत वैसी नहीं है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि भाजपा पर उनका भरोसा कम हुआ है और वे अब आंख मूंद कर पीछे चलने के लिए तैयार नहीं हैं। सहयोगी पार्टियों से जुड़े नेता मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव जिताने की क्षमता कम हुई है। सरकार में रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी हुई है, जिसका खामियाजा भाजपा के साथ साथ सहयोगियों को भी भुगतना पड़ रहा है। तभी भाजपा नेताओं के साथ एनडीए के घटक दलों की बैठक में कई मसले उठे। लोजपा, टीडीपी, शिवसेना, अकाली दल आदि के नेताओं ने अल्पसंख्यकों और दलितों से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के अल्पसंख्यक दर्जे को नहीं बदलने की बात कही है। बताया जा रहा है कि अकाली दल के नेताओं ने सिखों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया है। करीब दो साल के शासन में किसी सिख को राज्यपाल नहीं बनाया गया और सरकार में भी ले देकर हरसिमरत कौर अकेली सिख मंत्री हैं। बहरहाल भाजपा नेता इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि सहयोगी पार्टियां दबाव की राजनीति कर रही हैं। बिहार चुनाव के बाद बिहार के कुछ मंत्रियों को हटाने या विभाग बदलने की चर्चा थी, इसी वजह से कुछ नेता मुखर हुए हैं। शिवसेना को महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों जगह अपने मंत्री बढ़ाने हैं, इसलिए उसके नेता सवाल उठा रहे हैं और अकाली दल ने विधानसभा चुनाव के लिहाज से अपनी पोजीशनिंग की है। एक तरफ एनडीए में सहयोगी पार्टियों के मोह भंग की खबर है तो दूसरी ओर यूपीए में नए सहयोगी जुड़ने की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने एकला चलो की नीति त्याग दी है। बिहार चुनाव की सफलता के बाद उन्होंने सभी राज्यों में समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ तालमेल की हामी भर दी है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अलग अलग समूह में कई पत्रकारों से मुलाकात की। हर मुलाकात में कांग्रेस के गठबंधन का सवाल उठा, जिसका राहुल ने एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कमेटी जो राय देगी वही किया जाएगा। उन्होंने गठबंधन से इनकार नहीं किया। पश्चिम बंगाल की प्रदेश कमेटी लेफ्ट के साथ तालमेल चाहती है, जिसे लेकर पार्टी नेतृत्व दुविधा में है। इसी तरह असम में प्रदेश कमेटी तालमेल नहीं चाहती थी तो पार्टी आलाकमान ने अजमल से तालमेल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तमिलनाडु की प्रदेश कमेटी डीएमके के तालमेल के पक्ष में है तो पार्टी आलाकमान ने गुलाम नबी आजाद को करुणानिधि से इस बारे में बातचीत के लिए अधिकृत किया है। इसी तरह महाराष्ट्र में प्रदेश कमेटी में आम राय है कि एनसीपी के साथ फिर से तालमेल किया जाए। एनसीपी नेता भी इसके लिए तैयार हैं। ऐसे में झारखंड में प्रदेश कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा से तालमेल करना चाहती है। राज्यसभा के चुनाव में दोनों साथ मिलकर उम्मीदवार चुनेंगे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बसपा और लेफ्ट से तालमेल करा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे से एक बार फिर प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। अपने चुनाव क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए सोनिया गांधी ने प्रियंका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये प्रियंका की सेना है। उनकी इस टिप्पणी से प्रदेश कांग्रेस के नेता कई अर्थ निकाल रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस बार प्रदेश की राजनीति में प्रियंका सक्रिय होंगी। वे रायबरेली और अमेठी से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में भी प्रचार के लिए जाएंगी। प्रदेश के कई नेता तो प्रियंका गांधी के लिए विधानसभा क्षेत्र की तलाश करने लगे हैं, जहां से वे लड़ेंगी। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से उनको मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश किया जा सकता है। सोनिया गांधी से पार्टी के नेताओं ने कहा है कि
इस बार पार्टी किसी जाने पहचाने चेहरे को आगे करे। सोनिया गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि पार्टी कोई बड़ा और जाना पहचाना चेहरा उतारेगी। गौरतलब है कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में नया अध्यक्ष नियुक्त होना है, प्रभारी भी बदला जा सकता है। तभी कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि प्रियंका से ज्यादा जाना पहचाना चेहरा कौन हो सकता है। भाजपा की ओर से वरुण गांधी या स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा होने पर अपने आप प्रियंका की चर्चा होने लग रही है। लेकिन पार्टी के दिल्ली के नेताओं का कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में प्रियंका को दांव पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी हालात कांग्रेस के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आंशिक राहत दी है। अदालत ने इन दोनों को 20 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में निजी तौर से पेश होने से छूट दे दी है। इसके अलावा अदालत ने एक बड़ी राहत ये दी है कि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में की गई टिप्पणियों को कार्यवाही से निकाल दिया है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कांग्रेस नेताओं की कार्यवाही को संदिग्ध आचरण करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया है, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को खारिज करने का अनुरोध ठुकरा दिया है। दोनों नेताओं ने याचिका देकर इस मामले को खारिज करने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने नहीं माना है। संसद पर हमले के आरोप में फांसी पर लटकाए गए अफजल गुरु के समर्थन में कार्यक्रम करने वालों पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है। इस मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के प्रमुख कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि यदि कोई भी भारत विरोधी नारे लगाता है और देश के एकता व अखंडता पर सवाल उठाने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। राजनाथ सिंह ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि भारत माता का अपमान किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार को जेएनयू परिसर में अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसमें भारत विरोधी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सरकार के आखिरी बजट में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ढेर सारी लोक लुभावन घोषणाएं की है। अखिलेश यादव ने वित्त मंत्रालय अपने ही पास रखा है और आज उन्होंने लगातार पांचवा बजट पेश किया। इसमें उन्होंने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए भारी भरकम आवंटन का ऐलान किया। अखिलेश ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1,500 करोड़ रुपए की घोषणा की। गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के लिए 1,336 करोड़ की व्यवस्था करने का ऐलान किया। अखिलेश ने अपने बजट में कानपुर और वाराणसी में मेट्रो रेल परियोजना का ऐलान किया और इनके लिए 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए 4,300 करोड़ रुपए की घोषणा की और साथ ही 14 चुने हुए शहरों को मॉडल सिटी के तौर पर विकसित करने के लिए भी पैसे का प्रावधान किया। अखिलेश ने आम आदमी बीमा योजना, किसान दुर्घटना बीमा योजना, समाजवादी किसान और सर्वहित बीमा योजना जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने बुंदेलखंड के लिए अलग पैकेज की घोषणा भी की। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के मामले में मंदिर बोर्ड और सरकार से कई सवाल पूछे हैं। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब महिलाओं और पुरुषों के बीच वेदों, उपनिषदों और दूसरे किसी भी शास्त्र में भेदभाव नहीं किया गया है तो सबरीमाला में ऐसा क्यों है। अदालत ने मंदिर बोर्ड और सरकार को इस पर जवाब देने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। अदालत इस मामले में ये भी देखना चाहती है कि समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में रोक कहां तक ठीक है। इस मामले में वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन और के राजमूर्ति को अदालत ने सहायक नियुक्त किया है। दूसरी ओर मंदिर बोर्ड ने कहा है कि ये परंपरा 1,000 साल से चली आ रही है और सिर्फ मंदिर में ही नहीं बल्कि पूरे सबरीमाला पर्वत पर महिलाओं के जाने पर पाबंदी है। मुंबई में हो रहे मेक इन इंडिया वीक के कार्यक्रमों में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने के लिए कल मुंबई पहुंचेंगे और कल ही इस कार्यक्रम के दौरान एक भव्य भोज का आयोजन हो रहा है। उद्धव को इस भोज में नहीं बुलाया गया है, हालांकि कुछ दूसरे समारोह में उनको आमंत्रित किया गया है। भाजपा के एक नेता ने कहा है कि ये कोई राजनीतिक समारोह नहीं है, इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से किया जा रहा है। साथ ही भाजपा ने ये भी कहा है कि इस कार्यक्रम में दुनिया के कई बड़े राजनेता हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया है। गौरतलब है उद्धव किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, हालांकि उनकी पार्टी के एक नेता ने कहा कि ये बदले हुए समय का प्रमाण है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय हर कार्यक्रम में बाला साहब ठाकरे को बुलाया जाता था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली लॉन्चिंग पैड है। उनके यहाँ के काम पर अगले साल पंजाब में आप पार्टी का जलवा बनेगा या बिगड़ेगा। उस नाते बतौर मुख्यमंत्री एक साल का केजरीवाल का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल है, इस एक वर्ष में सत्ता से क्या पाया, क्या गवाया, इस पर आगे चर्चा करें। उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा।
अरविंद केजरीवाल रविवार को अपनी सरकार की पहली सालगिरह मनाएंगे। उनकी जैसी फितरत है उसमें इस बात की शून्य संभावना है कि वे वस्तुनिष्ठ होकर पहले साल का लेखा जोखा करेंगे। जिस तरह उन्होंने सम विषम नंबर का प्रयोग शुरू होने के 6 घंटे के भीतर उसकी सफलता का डंका बजा दिया था, उसी तरह वे अपनी सरकार की 1 साल की सफलता का डंका बजाएंगे। वैसे भी उन्होंने दिल्ली सरकार के विज्ञापन का बजट 20 गुना इसलिए बढ़ाया था ताकि प्रचार का शोर चलता रहे। अगर वस्तुनिष्ठ तरीके से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के 1 साल का मूल्यांकन किया जाए और 1 लाइन में निष्कर्ष दिया जाए तो कहा जा सकता है कि वे और उनकी सरकार राजनीति में सुपरहिट रहे तो कामकाज में फिसड्डी साबित हुए हैं। उन्होंने पूरे साल राजनीति की है और ये संदेश दिया है कि वे तो केंद्र सरकार के असहयोग के मारे हैं। उन्होंने अपने को उत्पीड़ित मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए रखा है। भ्रष्टाचार के आरोप में जब उनके प्रधान सचिव के यहाँ CBI का छापा पड़ा तो उन्होंने अपने को प्रधानमंत्री की ज्यादती का शिकार बताया। जब एक के बाद एक आधा दर्जन विधायक भ्रष्टाचार, मारपीट, जाली सर्टिफिकेट आदि के आरोप में गिरफ्तार हुए तो अपने को दिल्ली पुलिस की ज्यादती का शिकार बताया और उनके अनुसार उपराज्यपाल नजीब जंग तो उनके खिलाफ लगातार ज्यादती करते ही रहते हैं। केजरीवाल ने अपने आप को उत्पीड़न मुख्यमंत्री और व्यवस्था विरोधी नेता के तौर पर स्थापित करने की खूब कोशिश पहले 1 साल में की। वे दिल्ली के लोगों को बार बार बताते रहे कि वे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। पहले साल या दूसरे साल भी ये दांव चल सकता है, लेकिन 5 साल तक इस आधार पर लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता। हालांकि ये भी हो सकता है कि वे अपनी इस छवि को पंजाब के चुनाव तक चलाना चाह रहे हों ताकि वे अपने को नरेंद्र मोदी के मुकाबले का नेता बनाकर वहां चुनाव जीत सकें। लेकिन इस कथित उत्पीड़ित नेता की हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री से लेकर देश के सर्वाधिक ताकतवर मंत्री अरुण जेटली तक उनसे पनाह मांग रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मनोरोगी और कायर कहा तो जेटली के ऊपर DDCA की भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। जाहिर है वे अपने को पीड़ित बताने की राजनीति के क्रम में एक्सपोज भी हुए हैं। चाहे प्रधानमंत्री पर हमला हो या पटना में लालू प्रसाद के साथ गले मिलना, सब जगह उनकी राजनीति के दूसरे रंग भी लोगों को देखने को मिले हैं। जहां तक कामकाज का सवाल है तो केजरीवाल ने सरकार में आने के बाद अपने 2 अहम वादे पूरे किए। उन्होंने 400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वालों को 50% सब्सिडी दे दी और 21,000 लीटर तक पानी का इस्तेमाल मुफ्त कर दिया। इससे उनका समर्थन करने वाला वर्ग पूरी तरह से संतुष्ट है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली में पहले 1 साल में न तो किसी नए अस्पताल की बुनियाद पड़ी और न ही कोई नया स्कूल बना है, न किसी कॉलेज का काम शुरू हुआ और न ही कोई नया फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ। मुफ्त वाईफाई देने की योजना ठंडे बस्ते में है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल नियुक्त करने, लाखों की संख्या में CCTV कैमरे लगाने और सुनसान जगहों पर लाइटिंग की व्यवस्था करने का वादा मानो केजरीवाल भूल गए हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद केजरीवाल सरकार के 1 वर्ष पर चर्चा करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली का हर हंगामा अखिल भारतीय चर्चा का रूप लेता है। उस नाते केजरीवाल सरकार ने पिछले 1 साल में जो कुछ किया है उस पर पूरे देश का फोकस रहा। उस नाते भी सवाल है, दिल्ली सरकार का राष्ट्रीय संदर्भ में क्या मतलब बना है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी है। नीरजा जी, अरविंद केजरीवाल बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री 1 साल पूरा करने वाले हैं, उस 1 साल की आप पर क्या छाप छूटी? अरविंद केजरीवाल की 1 साल की छाप है कि बहुत ही उस्ताद पॉलिटिशियन है और पार्टीज की तरह ही है, आम आदमी पार्टी में भी शेड बेटर है जी। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां देखी हैं 1 साल में, फिर भी सिर पानी के ऊपर है और ये देखने लायक चीज होगी कि अगर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा और अकाली दल से नहीं, आम आदमी पार्टी से होने वाली है, तो ये तो कुछ कहता है नहीं। ये आगे की अपन राजनीति नहीं, लेकिन आपने कहा कि बहुत चुनौतियां देखी, क्या चुनौतियां थी जिसके अंदर ये उस्तादी के साथ काम कर गए? काम कहां किया, दिल्ली में क्या छाप छूटी? दिल्ली क्या शीला दीक्षित के समय जो चमक थी, जो आभा थी, क्या वो आज है? देखिए, नंबर 1 एक साल ही हुआ है, नंबर 2 आते ही उन्होंने अपने कोर वायदों को पूरा कर दिया, बिजली पानी का। तो सिग्नल गया जो बस्तियों में आम आदमी के पास, वो ये था कि
इन्होंने वादा निभाया? नहीं, देखिए, या फिर एक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, अपने वोट के झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं है जहाँ की पानी और बिजली का करवाया। पूरी दिल्ली को अगर देखा जाए, इतनी बड़ी आबादी, तो दिल्ली एक राजधानी महानगर के नाते क्या उन पूरा केयर किया या क्या मतलब? देखिए, मैं फिर कहूंगी कि उनकी कई खामियां हैं जिन पे हम आएंगे जी, लेकिन ये जो पहले सप्ताहों में ये कर देना, जो जिस बेसिस पे वो पावर में आए और उसको पूरा कर, उस पर तुरंत वादा निभाया, तो एक सिग्नल गया कि ये सीरियस है डिलीवरी पे। अच्छा, ये झुग्गी झोपड़ियों में ही नहीं, मैं तो वसंत विहार में हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा देखो भाई मुझे और कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है कि पहले हम टैंकर आते थे पानी के, आज नल में पानी आता है, तो मेरी तो मेरा समर्थन है, मैं उनको मौका दूंगा और भी। दूसरी बात है, शुरुआत वहां से हुई साल की और अंत हुआ ऑड इवन से। अच्छा, ऑड इवन ने भी जिस तरह से दिल्ली का इमेजिनेशन कैप्चर किया, सब लोग त्रस्त हैं इससे, हम लोग हर सीजन जो विंटर का है बीमार होते हैं हर परिवार में, और हालांकि कितना पॉल्यूशन कम हुआ कुछ तो फर्क पड़ा, और ट्रैफिक जो कंजेस्ट होता था इतने घंटों हम लगाते थे वो ईज आउट हुआ, और सिग्नल आज अगर आप मिडिल क्लास जो कि अरविंद केजरीवाल को इतना नहीं मानती जितना मानती थी पहले, वो भी कह रहे हैं कि अच्छा किया, ये दोबारा करना चाहिए। तो बीच में जो घमासान हुए, और ये आप जो कह रहे हैं ना शीला दीक्षित ने जो 15 साल में किया, एक छाप छोड़ी, मेट्रो आया, कई चीजें उन्होंने की, हाँ मुझे लगता है इनको टाइम देना चाहिए। जहाँ ये नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं वो सेंटर से जो लड़ाई है और एलजी उसका चेहरा है, वो हर मोड़ पे हर दिन कुछ ना कुछ उसका स्वरूप सामने आता है। नहीं, वो ये नहीं है, उसकी वजह कि जो आपने कहा कि ये उस्तादी है इनकी, कि वो एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी सिस्टम से लड़ रहे हैं, केंद्र से लड़ रहे हैं, और लड़कर अपना नेशनल राष्ट्रीय प्रोफाइल बना रहे हैं। ये एक सोची विचारी रणनीति है, बिल्कुल होगी सोची विचारी रणनीति, क्योंकि वो आए ही पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, दिल्ली की पॉलिटिक्स से संतुष्ट नहीं होंगे, दिल्ली तो आधी स्टेट। नहीं, ये संतुष्ट होने का नहीं, ये कि एक मीडिया भी या समीक्षक भी, राजनीतिक जमात भी, वो मानती है कि नरेंद्र मोदी से अगर लड़ने का किसी में दम है तो अरविंद केजरीवाल में, और उसी अनुरूप उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह की बातें, बनारस में कोशिश भी थी, नहीं उसके बाद मुख्यमंत्री के नाते भी अब मैं उतना इस समय नहीं कहूंगी कि सिर्फ उनमें ही क्षमता है, ये अर्ली डेज हैं कि नरेंद्र मोदी को टेक ऑन करना अरविंद केजरीवाल इस समय, मतलब वो नहीं, वो मतलब अपने आप को आगे तो कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी को टेक ऑन कर रहे हैं और चेहरा बन रहे हैं कि ये आदमी उनसे भिड़ सकता है, लड़ सकता है। और जिस तरह से आप देखिए इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रेड हुए राजेंद्र कुमार को, और कुछ घंटों जो होता है सारा मोड़ दे दिया डीडीसीए की तरफ, मतलब ये है ना, मैं कह रही हूँ जो उस्तादी है, और मीडिया का ध्यान सब उस तरफ चला गया। तो ऐसा नहीं है कि इनके सीनियर नेता पकड़े नहीं गए, इतने आरोपों में घिरे रहे हैं जो इनके मिनिस्टर्स रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये कहना ठीक नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अब लोकप्रिय नहीं है, कुछ ग्राउंड लूज किया है, लेकिन एक तबका है दिल्ली का जो अभी भी उनको आशा की नजरों से देखता है कि कुछ करेंगे। नहीं, आशा की वो ये इसको सब कुछ चुनावी परिप्रेक्ष्य छोड़े तो कुल मिला के जो गवर्नेंस का इशू है राजकाज का, जिसके आधार पर आगे की कसौटी भी होगी कि वो बतौर प्रशासक, उसके नाते वो एक आंदोलनकारी लड़ाकू वो सब है, लेकिन बतौर प्रशासक छाप छूटी है। प्रशासक के नाते आपको झुकना भी पड़ेगा, ह्यूमिलिटी भी होनी पड़ेगी, कड़वे घूंट भी पीने पड़ेंगे, और रीच आउट भी करना पड़ेगा सेंटर को साथ लेके कैसे किया जाए। अब वो कहेंगे कि हमने तो ट्राई किया, प्रधानमंत्री से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले, पर वो एडिक्वेट नहीं है, और दूसरी तरफ से भी ऐसा नहीं कि आसान किया गया है उनका रास्ता बिल्कुल भी। मैं तो ये कहती हूँ, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती तो क्या बीजेपी और एलजी इस तरह से बिहेव करते? नहीं करते। लेकिन इनको भी मुझे लगता अगर शासक के तौर पे डिलीवर करना है तो कहीं ना कहीं आप सेंटर से सिर्फ लड़के नहीं कर पाएंगे। जी, जी। तो वो
सबको साथ लेके चलना, उन लोगों को साथ लेके चलना जो आपसे डिसएग्री करते हैं। मैं मानती हूँ उनके जो वीक पॉइंट है ना, उसमें वो भी है, उनके बहुत ही दबंग आदमी है, बहुत ही रिस्क लेते हैं, लेकिन व्यक्तिवादी और छोटे मन के भी है। छोटे मन के तो नहीं, क्योंकि आपने आलोचकों का कहा कि विरोधियों को साथ नहीं लेते हैं, तो ये बात है बिल्कुल ले अभी तक नहीं। जैसे कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण अलग हो गए, अब उसके वो कहते हैं दोनों तरफ से हुआ जो भी था, लेकिन ये एक चीज करनी पड़ेगी। जी निर्जा जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter और facebook/nayaindianewspaper पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।